हेलो फ्रेंड्स, आई एम नैना एंड वेलकम टू साई बाबा इन्फोटेक चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट टू है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस फॉर्मेट पर। उससे पहले आप लोग एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जब तीनों का सिंपल का बनाओगे तो तीनों के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे अपन। मतलब जब अपन तीनों सिंपल टेंसेस का वॉइस बनाएंगे तो अपन उन टेंस की जो कंटिन्यूअस में अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते थे वो ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जब उनके कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बना रहे हैं तो फिर हम किसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे? तो हम किसी की हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, हम उनके कंटिन्यूअस वाले की ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, अब नयापन लाने के लिए क्या है? तो नयापन लाने के लिए ये होता है फ्रेंड्स कि हम इसमें बीइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक बना लो कि जब भी हम किसी का भी कंटिन्यूअस बनाते थे तो हम वर्ब में क्या लगाते थे फ्रेंड्स? आई एन जी लगाते थे ना। तो बस इस आई एन जी से आप ये याद रख लो कि आई एन जी लग रहा है, यानी कि हमको बींग लगाना है। मतलब देखो, ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स अपन कैसी भी बना सकते हैं, बस अपन को याद रहना चाहिए। मैंने आपको कंटिन्यूअस के नाम से ही वर्ब की आई एन जी वाली तरीका याद दिलवाया और वर्ब में आई एन जी, तो इस आई एन जी से याद रख लेना कि जब भी कंटिन्यूअस का वॉइस बनाएंगे तो हम उसमें बींग लगाएंगे। देखो आई एन जी आ रहा है ना, तो ये ट्रिक बना लो, कैसे भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब वही लेंगे जो वाकई में इनकी कंटिन्यूअस टेंस में होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने टेंस पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, है ना। इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ और प्लूरल के साथ लगता है आर। अब फ्रेंड्स, नयापन लाने के लिए क्या लगाओगे? बींग। तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना, उसके बाद फिर बींग लगा देना। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी फ्रेंड्स, किसी का भी वॉइस बनाओ एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तरीका क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि आगे वाले को पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले को आगे लाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। चलो बात करते हैं सेंटेंस पर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा मिले एग्जाम में कि मोहन इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, और आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, पूछेगा इसका कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव में ऑलरेडी फ्रेंड्स ये है, कन्वर्जन होगा इसका पैसिव में। जो टेंस फॉर्मेट रहता है वो एक्टिव सेंटेंस ही कहलाता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन मिला अपन को मोहन इज राइटिंग अ लेटर और आपसे बोला जाएगा कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। चार ऑप्शंस रहेंगे। देखो मैंने यहाँ पे तीन तीन क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी कि सरल वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक, तीनों आपको मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे तीन लिखे हुए हैं। आपसे जो पूछा जाएगा केवल उसी रूप में आप जवाब देंगे। अगर आपसे अफर्मेटिव रूप में पूछा जा रहा है तो आपका जवाब अफर्मेटिव रूप में होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में तो आंसर नेगेटिव होगा। क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव रूप में है, प्रश्नवाचक रूप में, तो आंसर प्रश्नवाचक रूप में होगा। सबसे पहले गाइस क्या करोगे, सबसे पीछे वाले को आगे लाओगे। सबसे पीछे कौन है? लेटर। अगर हम अकेले लेटर को आगे ले गए तो फिर ए का क्या होगा? इसलिए फ्रेंड्स पूरे को उठा के लेके जाएंगे अ लेटर को। अ लेटर आ गया, अब देखो क्या लगाना है, इज एम या फिर आर। अब एक लेटर यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज। तो अपन ने फ्रेंड क्या लगा दिया, देखो अ लेटर इज। तुरंत बाद क्या लगाओगे? बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नाम है, नाम का तो नाम ही रहेगा, तो मोहन हो, सोहन हो, कवि हो, जो भी हो, तो उसका वही नाम लिख देना बाय के साथ में, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन। गाइस नेगेटिव कैसे बनता है? वन टू थर्ड नंबर पे नॉट और बाकी पूरा वैसा की वैसा। गाइस इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिख देंगे, देखो इज लिखा और पूरा वैसा की वैसा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मोहन। यू आर ड्राइविंग अ कार, तुम कार चला रहे हो या तुम कार ड्राइव कर रहे हो। फ्रेंड्स कार अकेला लेके जाऊंगी तो ए का क्या होगा? तो मुझे पूरा का पूरा एक कार आगे लेके जाना होगा। देखो एक कार आगे आ गया, अभी सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, तुरंत बाद बींग लगाएंगे। ड्राइव की जो थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो थी ड्रिवन बाय यू। अब देखो यू पीछे जाके यू ही रह जाता है, अपन ने कल पढ़ा था, चार्ट बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया अ कार इज बींग ड्रिवन बाय यू। फ्रेंड्स अगर इसका नेगेटिव होता तो कुछ नहीं करते, वन टू थर्ड नंबर पे नॉट, तो अ कार इज नॉट बींग ड्रिवन बाय यू, सब कुछ वैसा कि वैसा। फ्रेंड्स प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते बाकी वैसा कि वैसा। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, इज को आगे लिखा, अ कार इज बींग ड्रिवन बाय यू। ठीक है, चल द मर्चेंट इज सेलिंग मैंगोज, जो व्यापारी है वो क्या कर रहे हैं? आम को बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंगोज आगे आएगा, आ गया, अभी बहुवचन है, प्लूरल है, तो आर लगाओगे, मैंगोज आर। तुरंत बाद क्या लगाओगे? बींग। सेल की सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सेल की? सोल्ड।
मैंगोज आर बीइंग सोल्ड बाय द मर्चेंट, मर्चेंट पीछे जाके मर्चेंट का मर्चेंट ही रहेगा। नेगेटिव बनाने के लिए थर्ड नंबर पर नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स आर को आगे ले आएंगे। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। तो फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ करती थी, वॉज या वर, तो हमने यहाँ पे वॉज या वर ले लिया। नयापन लाने के लिए क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है वॉइस में तो थर्ड लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मिलेगा आपको पेपर में, शी वॉज राइटिंग अ पोयम, वो एक पोयम लिख रही थी, और बोलेगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या फिर पूछ लेगा कि भैया इन चार ऑप्शन में से इसका पैसिव वॉइस कौन सा सही है। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर सिंपल फॉर्मेट में है तो आंसर सिंपल में होगा, क्वेश्चन अगर नेगेटिव रूप में है तो आंसर नेगेटिव रूप में होगा, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव रूप में है तो आंसर इंट्रोगेटिव रूप में होगा, ये ध्यान रखना। मैंने तीनों बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों ही कर लो, जिस तरह का प्रश्न होगा उस तरह का आंसर होगा। क्वेश्चन है शी वॉज राइटिंग अ पोयम, वो एक पोयम लिख रही थी। फ्रेंड्स अगर मैं अकेला पोयम को आगे ले जाऊंगी तो ए का क्या होगा, वो बेचारा अकेला भटकता रह जाएगा, तो ए पोयम आगे लेकर आओगे। ए पोयम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, तो अ पोयम वॉज रिटन, शी है तो पीछे जाके क्या हो जाएगा, बाय हर। नेगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स वन टू थर्ड नंबर पे नॉट, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। फ्रेंड्स बुक अकेली आगे जाएगी तो ए का क्या होगा, तो ए बुक आगे लेके जाओ, ये आ गई ए बुक आगे, सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया, प्लूरल होती तो वर लगाते, अ बुक वॉज, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे नोटिस करो, क्वेश्चन किस रूप में है, नेगेटिव रूप में है, तो मेरा पहला आंसर किस रूप में रहा, नेगेटिव रूप में रहा, बस यही आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। अ बुक वॉज, अ बुक थर्ड नंबर पे नॉट, अ बुक वॉज नॉट, नॉट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, बीइंग, थर्ड फॉर्म रीड की, रीड होती है, बाय, आई का पीछे जाके क्या बन जाएगा, मी, अ बुक वॉज नॉट बीइंग रीड बाय मी। अब देखो जैसे नेगेटिव बनाया ना, सिंपल क्या बनता है इसका फ्रेंड, सिंपल ये बनता है कि नॉट नहीं लगता, अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय मी, है ना। चलो इंट्रोगेटिव बनता तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, बाकी सब कुछ वैसा कि वैसा लगते हैं। चलो थर्ड एग्जांपल देख सकते हैं आप, दे वर प्लेइंग हॉकी, हॉकी आगे आ जाएगा, हॉकी सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, वॉज के बाद बीइंग लगाएंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और दे का पीछे जाके बन जाएगा फ्रेंड्स देम, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। नेगेटिव बनाओगे थर्ड नंबर पर नोट लगा देना, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वॉज को आगे ले आना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, आप यहाँ से देखेंगे कि कौन सा टेंस को बिलोंग कर रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग इनके आंसर्स बनाएंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो गाइज उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पे अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने घरों में रहिए, अब लॉकडाउन का पालन कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।